कई लोग कहते हैं गुरुजी आप तो रंगीन पहले पहनते थे बाद में छोड़ दिया, हमने कहा तुम संगीन और गमगीन हो गए इसलिए हम फिर से रंगीन हो गए। और पहली बात यह है कि ये दुनिया भगवान की है, संस्कृति सनातन की है। बरहा पीड़म नटवर बपोह कर्णयो करिणिकारम विप्रदवास कनकपसम वै जयंतिम चमालाम। पीतांबर धारी श्री कृष्ण पीला उनका, नीलांबर नीलांबरी श्री राधा रानी और बलराम का पोशाक भी सदा नीला है, बलराम जी नीला ही पहनते हैं। हरा से तुम सब रंगों को भी धीरे धीरे छोड़ रहे हो सनातनियों, हिंदुओं, भारतवासियों, राष्ट्रवादियों, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष करने वाले, सारे रंग तुम्हारे, हरा भी तुम्हारा है, पीला भी तुम्हारा है, नीला भी तुम्हारा है, लाल भी तुम्हारी देवी पहनती हैं, और भगवा भी तुम्हारा है, सूर्य से निकले सारे रंग रंग भी बांट गए। राजा को पता नहीं और प्रजा गांव बांट के तैयार, भगवान को खबर नहीं, सनातन संस्कृति अनादि काल से जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये सारे रंग इस सृष्टि को रंगीन बनाए हुए हैं। मयूर के पंख में कितने रंग हैं, जिस पंख को भगवान अपने मुकुट पे धारण करते हैं। रंग बांट दिया, रंग बांट दिया, इसलिए आज जान बूझ के हम नीला पहन के आए। अब कल हमको अगर लाल मिले तो हम लालऊ पहन के आवाएंगे, ना हुए तो नागपुर से खरीद के दे दो तीन चार रंग हमको, हम पहने पहने अच्छे से रंग बांटोगे। दोनों हाथ उठाकर सारे सनातनी घोषणा कर दो, सारा रंग हमारा है, और सूर्य का रंग उसमें जो भगवा है वो सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का रंग है। पर हमारे सनातनी भी ऐसे ऐसे कल के गए, हमारे ऊपर भी टिप्पणी आने लगेगी, उसमें लिखा रहेगा सनातनी सेना बाबा जी पाखंड कम करो, नीला कम पहनो। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो क्या हमारी भी बुद्धि सटक गई है? तुम निर्बुद्धि हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तुमने सृष्टि विषयक विषयों पर कभी चिंतन नहीं किया, तुम हमें क्या ज्ञान दोगे? इसलिए सारा रंग हमारा है। देखो अभी हमारी एक मैया जो है इतना बढ़िया नीला रानी कलर पहन के खड़ा हुई है, हमारी माता जय हो मैया नागपुर वाली, देखो देखो कितनी प्यारी उसकी साड़ी है मैया की, क्या कलर है। ऐसे रंग बिरंगे रहो, आनंदित रहो, भगवान की कथा हमें रंग बिरंगी बनाने के लिए आई है, बदरंग बनाने के लिए नहीं आया। चेहरा बदरंग हो जाए, जीवन बदरंग हो जाए, इसके लिए भागवत जी की कथा नहीं है, बल्कि भागवत जी की कथा सुन करके हम सतरंगी बन जाएं, आनंदित बन जाएं, हर रूप हर रंग से हमें प्यार हो जाए, ये भागवत।